एक सच सवाल है मेरा। हाँ। आज आप बता दें इसका जवाब, पूछ ले, क्योंकि सब जानना चाहते हैं, कसम से इसका जवाब तो जानना चाहते हैं। यासिफ भाई भी एग्री करेंगे। सवाल तब ऐसे करो, आप तो हो सबसे सबसे माशाल्लाह सबसे मशहूर भी हो, सबसे कामयाब भी हो, सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी से आपने अपना मॉर्निंग शो चलाया है, पर इन ऑल दीज इयर्स कभी कोई टाइम ऐसा जरूर आया होगा जब लगा होगा कि यार ये जो सामने मॉर्निंग शो आ गया है ना, ओए हो, इसने जरा हमें दिया है टफ टाइम, टक्कर दे दी तो है। वो कौन सा एक नाम जरूर लेना है? नहीं, बहुत सारे। नहीं, बट एक जिससे लगा हो कि यार यू नो दिस इज अप टू द मार्क और हमें भी इससे जरा थोड़ा, और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है। मैं सबसे डरती रही हूँ, मैं कह रहा हूँ नाम मैं जानना चाहूंगा। शाइस्ता हो गई, वो भी बहुत टफ कंपटीशन देती थी। सनम जंग हो गई, वो भी बहुत मेहनत करती थी। दूसरी तरफ से वो इस तरह हो रहा था ना, बिल्कुल उसकी टेनिस की तरह हो रहा होता था। और कौन आया? बस शाइस्ता और सनम जंग ही थी मेरे सामने, और तो कोई भी नहीं आया। और से इस जवाब पे गौर किया जाए, हम क्योंकि नादिया खान पहले करती थी, जब मैं मॉर्निंग शो करना है तब नादिया खान नहीं करती थी मॉर्निंग शो। बट यू नेवर फेल्ट दैट एनी ऑफ दीस यू नो कैन स्टील योर ऑडियंस की? यार यार कभी सबकी अपनी क्वालिटीज हैं, मैं सबको इतना एडमायर करती हूँ, मुझे सब इतनी पसंद है, तो हमें लड़ना है हेल्दी तरीके से रेटिंग्स के लिए या कंटेंट। एक कंपटीशन तो आपके घर में ही था, आई थिंक आप और सनम बिल्कुल साथ साथ स्टूडियो फ्लोर्स पे ही शो होता था, वो भी एक हेल्दी कंपटीशन था। वो न्यूज़ का कंटेंट था और हमारा एंटरटेनमेंट तो डिफरेंट था बेसिकली। एंड हु डू यू थिंक, यासिर भाई के यू आर अ फिल्म डायरेक्टर माशाल्लाह, हु एल्स डू यू थिंक मेक ग्रेट फिल्म्स? हमारे अब डायरेक्टर्स जो जिनकी हिट मूवीज हुई हैं, उस नबील है या नदीम बेग है, वजाहत अपना ये एहसन रहीम, तो ये समझ गए पाकिस्तानी ऑडियंस को कि ये हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस इस तरह की फिल्म चाहती है। अब कुछ डायरेक्टर्स हैं जो फ्रेम अच्छे बनाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं, अभी वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तानी मूवीज, क्यों हमारा ड्रामा इतना स्ट्रांग है जी। तो हमारी ऑडियंस 800-900 खर्च करके वो बड़ी स्क्रीन पर ड्रामा देखना नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं, उनको फिल्म देखनी है, क्योंकि उसी 800 की कुर्सी पर बैठ के वो इंडियन मूवीज देख रहे होते हैं जी, और हमारी मूवीज देख रहे होते हैं, चाहे वो 100 करोड़ की बनी हो। बिल्कुल।